दो हिस्सों में हो गए हैं, मतलब से गिल्ट पड़ी है, ऐसे हो है, ऐसे मारे पर दर्द है, रो रहा था, और ये बंदी क्या कर रही है? मेरा छिड़के पानी के आंसू देखे, मैं भी आंसू लाती मर्द बहुत जालिम होते हैं। इससे पहले मैंने अपनी बेगम का रूप नहीं देखा, पता नहीं हार्मोन इसके चेंज हुए हैं या मून चेंज हो गया, मुझे कोई पता नहीं है, यकीन करें। ये वाला इसका पुर्जा, ये मिल जाएगा एक स्पेयर में, ये मेरी काम वाली ने घुमा दिया। अभी तीसरा काम कौन सा बताओ मुझे जरा, तीसरा काम है पार्लर। चलो और तुम्हें खाना खिला दिया मैंने, बस मैंने तो बंस रोड से खाना था बर्गर। 1:30 बजे हम लोग बंस रोड में घूम रहे हैं और यकीन करो यहाँ पे उसी किस्म का रश है, देखो सब लोग खाने पीने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, तो क्या हाल चाल है आप लोगों का, उम्मीद करती सब ठीक ठाक होंगे। तो जहाँ वेलकम हो गया आप लोगों का हमारे एक और ब्रांड न्यू व्लॉग में, और आज का व्लॉग का टॉपिक है हस्बैंड से काम कैसे करवाया जाए। भाई अभी मजा आएगा ना भिड़ो, आप लोगों को पता है लेडीज आप लोगों के हस्बैंड भी इसी तरह तंग करते होंगे भाई, काम का लारा लगा के हाँ कर दूंगा तो करते नहीं है काम। अभी कुछ मेरे रुके हुए काम है जो हम बिलाल साहब से पूरे करवाने वाले हैं। बिलाल साहब यहाँ पे सुकून की नींदर सो रहे हैं, नींदर पंजाबी में कहते हैं नींद को, तो हम इनकी नींद को उजाड़ने लगे हैं, भगाने लगे हैं। तो देखो आओ आप लोग साथ बने रहिएगा, चैनल बने तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आ रही तो उसको लाइक भी करना। तो आ जाओ जी, ये अटैक होने लगा है, 1 2 3 ये देखो, हेलो टन टना, जैसे नई नहीं आपके फेस पे स्प्रे करते ऐसे ऐसे करके, तो वही काम हम करने वाले हैं। ये देखें आगे हाथ रख लिया, मुंह रख लिया, हम तो मुंह पे मारेंगे। ये देखें जी रोने लगे, तो एक तो हमने मुंह धो डाला, ऊपर से देखो रोने की एक्टिंग कर रहे हैं। 50 रुपए काटो इसके। गाइस ये ना मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ, मैं रो रहा था, मैं रो रहा था तो कैमरा उठाने से पहले मेरा फटा हुआ था, ऐसे ही कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आपको चीज बताता हूँ, औरतें बहुत जालिम होती हैं। कौन बंद मेरी आंखों में देख लिया, आपको आंसू नजर आ रहे हैं। ये अभी मेरे छिड़के पानी के आंसू देखे, मैं भी आंसू लाती गाइस, मर्द बहुत जालिम होते हैं। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के। औरतें बहुत ज्यादा, मेरी आंखें देख लो, आपको ना आंसू नजर आ रहे हैं। इस औरत ने मेरे पे अटैक किया, मारा कैसे मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। ये देखिए आपको एक चीज पता है, मैंने ठीक है ये बच्ची को डांट रही थी, ज्यादा ऊंची बात मैंने बोला, बच्ची को ऐसे नहीं डांटते, आराम से डांटते। इसने क्या किया है, अटैक मेरे को से गुस्सा आया बहुत ज्यादा, इसके हार्मोन चेंज हुए, ठीक है जो अनमोनिया ना चेंज हो ऊपर लेवल के गए। इसने क्या किया मेरे साथ, ये आप लोगों को ठीक है पता होगा, ये अड्डी की जो फोर्स होती है ऊपर से आती है ना, ठीक है जब लगती है तो मैं बता दूं कहां मारी है इसने, ये मेरा जो पट है ना लेग है, जो लेग के ऊपर इसने मारी है, मेरे अंदर से जो मसल है वो ऐसे मुझे लग रहा था बिल्कुल दो हिस्सों में हो गए हैं, मतलब ऐसे गिल्ट पड़ी है, ऐसे हो है, ऐसे मारे पर दर्द है, रो रहा था, और ये बंदी क्या कर रही है, क्या गुंडा बनेगा रे तू? तो गाइस ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई इन पे हमला नहीं हुआ, ये जानबूझ के ना आज जरा व्लॉग के अंदर स्पाइसेस डाल रहे हैं, ठीक है ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसी बात है, बोलो उठाए अपनी सकी माँ की कसम, उठाए अपने ठीक है माँ की कसम उठाए कि इसने मेरे पे अटैक की, हड्डी नहीं मारी एकदम ऐसे। कसम उठाने से माल बिक जाता है पर बरकत नहीं रहती, आप लोगों को पता होगा, तो कसम उसम वाला काम मैं नहीं करती। तो गाइस ये देख रहे हैं मेरे जैसे मजलूम बंदे के ऊपर, कोई मुझे बताओ, जैसे आपको पता होगा कि औरतों के ऊपर तशद्दुद हो तो वो भी जाके रपट अपनी दर्ज करवाती हैं, मुझे ये बताए आजकल उल्टा हिसाब हो गया, जो मर्दों के ऊपर तशद्दुद हो मेरे जैसे मस्कीन मर्द के ऊपर, वो रिपोर्ट कहाँ लिखाए कमेंट्स में जरूर बताएगा, मैं भी इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने वाला हूँ, ठीक है अब देखना अब कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छा तो गाइस वेलकम बैक हो गया मेरी तरफ से, अस्सलाम वालेकुम हो गया जी, आपको पता है आपके भाई पे बहुत तशद्दुद हुआ है, मुझे जल्द से बता दो रिपोर्ट की दर्ज करानी है, और मुझे ये भी बता दो बचना कैसे है, क्योंकि अभी जो मैं आपको एक रूप दिखाने वाला हूँ, ओहो इससे पहले मैंने अपनी बेगम का रूप नहीं देखा, पता नहीं हार्मोन इसके चेंज हुए हैं या मून चेंज हो गया, मुझे कोई पता नहीं है, यकीन करें अभी जो आपको दिखाने वाला हूँ, आप ठीक अपने दिल को कमजोर दिल वाले ये वीडियो ना देखें, उनके लिए वीडियो नहीं है, इस वाले मैं बता रहा हूँ पता नहीं क्या हो गया, तो मुझे बचाने के लिए तुम लोग अगर आ सकते तो आ जाओ प्लीज जल्दी, अभी मैं आपको चीज दिखाता हूँ। ओह माय गॉड, ओए गाइस, ओए ओए तुम बचाओ, गाइस बचाओ, मसला क्या तुम्हारे साथ है, चुड़ैल बना दो, बात होगी नहीं करते, क्या वैसे मैं चुड़ैल बन के खा दूंगी मुझे, गाइस ये मैंने ना तुमने मेरा कोई काम नहीं किया, ये मैंने प्रैंक किया छोटा, अगर आपको हमारा प्रैंक पसंद आया तो लाइक करो और कमेंट्स में बताया आगे नेक्स्ट में प्रैंक करें या नहीं करें, तो ये छोटा सा प्रैंक था, कैसा लगा आपको? प्रैंक तो बच्चों मैं करूंगी तुम्हारे साथ, क्या प्रैंक कर रहे हो, क्या हुआ, मैं तुम्हारे पे प्रैंक करूंगी, मेरी बात सुनो ना, तुमने मेरा कोई काम नहीं करवाया, वाकई मैं चुड़ैल बन जाऊंगी तुम्हारे लिए। ओ चलो ठीक है, अभी चलते हैं सारे काम करवाते हैं, तो गाइस इसके जो काम है इसके ठीक है, मूछ दाढ़ी, ओ सॉरी मूछ दाढ़ी कह रहा हूं, इसके
इसके आई ब्रो दाढ़ी बनवानी है, मैंने टिंट करवानी है, मैं पता नहीं क्या हूँ। गाइस आई ब्रो इसके बनवाने के लिए चलते हैं, चूल्हा भी चेंज करो भाई की, चूल्हा भी सही करवाने के लिए चलते हैं। तीसरा काम कौन सा? शीशा, जिसमें मैं अपना शीशा भी है। ठीक है गाइस, तीनों काम होंगे। चैनल के बने हो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मीनवाइल तो गाइस मेरे को मेरी जान ने पानी दिया, काम तो करो एक और जानू। पता क्या करो, मेरे शूज साफ करके ले जाओ। ये लो पकड़ो, बस मैं इनके हर काम करती हूं, ये मेरा कोई काम ना करे। तो आपके काम करवाने के लिए जा रहा हूं, क्या कर दी मिल जाएगी। पकड़ो भाई, यहां पे शूज थे। कौन से? किसके? साफ वाले। किसके? आपके शूज। अबे पता नहीं, वो मेरे शूज साफ करेंगे। पकड़ो, मैं काम करवाने हैं तो उससे पहले मियां साहब के काम करने पड़ेंगे। मियां साहब सुन के ऐसा लगता है जैसे नवाज शरीफ की बात हो रही है, मगर नहीं। मियां हां जी सुनाए, आपने करने ये ले दे दे। आप करेंगे? आप नहीं कर सकते। तो चलो गाइस जरा जूते शूते पॉलिश करके इनकी खिदमत में पेश करें महाराज, फिर जाके हमारा काम करवाएंगे। और आप लोग कैसे सब्सक्राइब करोगे? जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। ओ अल्लाह, वो लेके चला गया। अरे अब्बा हजूर ऐसे ही पहन लो। अच्छा ये लो, वो कह रहे ये लो। अच्छा थैंक यू, नीचे नीचे रख दो, रख दो, बाबा को दे दो, बाबा को। माशाल्लाह माइदर, इधर पांव में बनाओ। अरे वाह, आपको तो देना आ गया है, आप कितने अच्छे जूते ला के दे दो बाबा को। बस कर दो आप, कर देगा वो। ये लो जी, माशाल्लाह 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 कहिएगा गाइस। अपने बाबा के बूट शूट साफ करके दे रहा। तो गाइज वेलकम बैक हो गए गाइज। अभी तक हम लोग घर से निकले ही नहीं है क्योंकि बच्चे आ गए हैं, बच्चों को ठीक है अभी घर पे छोड़ के जा रहे हैं। और अभी फातिमा, तो गाइज आज ये ना अभी नहा के आई है और इन्होंने आज बहुत ही बार खेला है, अच्छा लगा। और अभी माशाल्लाह से मेरी बेटी मैंगो खा रही है। गाइज किस किस बंदे को मैंगो लवर हो आप लोग सही शदीद वाले, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारे घर में मैंगो लवर मैं हूँ, मेरी बेगम है और मेरी बेटी है, और बाकी जो मेरे दो माशाल्लाह से ठीक है नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ना ठीक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा और तकी बाबा, ये दोनों ही नहीं मैंगो खाते। हम तीनों को मज़ा बहुत पसंद है, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है शिद्दत से तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है मैंने बोल दिया काफ़ी टाइम के बाद, बाबा को पूछ ले, डफर नहीं पूछेगी नहीं। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए घर से बाहर और किस्मत भी क्या खूब चमकी हुई है माशाल्लाह से। पहले तो घसीट घसीट के बिलाल साहब को ले गया, मिनते तरले करो इनके, और उसके बाद जो है ना वो हमारा टायर पंचर हो गया। ऐसी बात है बिल्कुल। मैंने कहा ऐसे तुम काम वामा कर रही हो तो ये काम करो वो काम करो, हमारा बाइक कह रहा घर पे आराम से बैठो। अबे साले हम बाइक भी इनकी तरह आराम दे, कह रहे हैं आराम करो हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं पंचर लगवाने, मतलब आज फुल जलालत होने वाली है। ठीक है, और चूल्हा हम लोगों ने रखा हुआ आगे इस तरह से। देखो एक तो हमारा काम मैंने निकलते साथ ही कर दिया। हाँ बस मेहरबानी, उससे पहले आप लोगों का काम। तो गाइस एक काम इसका ये किया है, मदरसे का हमारा इंशाल्लाह इंतजाम हो चुका है, कल से हमारे बच्चे मदरसे जाया करेंगे जरूर। शेख चिल्ली साहब जरा होले होले चलो, ठीक है ना। अभी पहले जाके मैं बात करूंगी तो फिर उसके बाद होगा ना काम। अभी मैं जाके पहले टीचर से बात करूंगी, देखूंगी क्या हिसाब किताब है, फिर वो लगेंगे ना। तो गाइस मदरसे का बहुत मसला बना था, आप में से एक व्यूअर ने पूछा भी था कि बच्चे आपके मदरसे नहीं जा रहे, तो वाकई नहीं जा रहे थे क्योंकि मसला ये बना था मुझे को सही की टीचर नहीं मिली। खैर अभी बच्चों से पता किया नीचे मोहल्ले के बच्चों से, तो वो जहाँ पे पढ़ते हैं तो हम लोगों ने जाके वहाँ पे बात करनी है, उनको हम एडमिशन दिलवाएंगे। बाकी चैनल पढ़ने हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना। चूल्हे वाली दुकान पे पंचर के साथ ही आ गए तो चलो जी चूल्हे वाली दुकान पे चलते हैं और बात करते हैं उनके साथ। ये वाला इसका पुर्जा ये मिल जाएगा एक स्पेयर में, ये मेरी काम वाली ने घुमा दिया है। हाँ ये मिल जाएगा तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, मेरा नया चूल्हा है ये ऊपर का है, मेरे पास ये चाहिए बस। अभी पूछ लो कितनी देर में देंगे खाना बाहर का है। शॉप से चूल्हा भी शॉप से लेंगे तीन, और हमारा काम भी मार्केट से। हां सही है, लेकिन ये दूसरे महीने में दूसरा हम लोग सर्विस करवाने के लिए आए हैं। इसमें मसला हमारा ही था क्योंकि हमने इसके ऊपर पाए रोस्ट किए थे, ठीक है, पाए का कचरा भी गया था। पता कर लेते तो ठीक है, ये सिलेंडर भी है ना, कौन सिलेंडर भी है, सिलेंडर बहुत बड़ा ना हो छोटा सा ही हो, ये जैसे है ग्रे वाला कितने के जी का, बस छोटा ही हो ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए। और इसके ऊपर चूल्हा लगा हुआ मिलता है क्या? ये चूल्हे का काम है भाई, मांग रहा है 1000 रुपया, मैंने बोला 500 रुपया ठीक है, लेकिन ये 800 रुपए आ गया, मैं 600-700 में डन करते हैं, ठीक है 800 में 700। अबे नहीं क्या बात कर, तो गाइस ये देखो छोटा सा काम और ये क्या कह रहा है, ठीक है कह रहा है 1000 रुपए मांग के, ठीक है 700 रुपए, मैंने 700 बोला 700। आप लोग कमेंट में बताइएगा चूल्हे के निपले मिपले डालने के लिए, ठीक है 700 रुपए रिपेयरिंग के ज्यादा या कम है। अच्छा मजे की बात, चूल्हा भी इन्हीं की, ठीक है इन्हीं के ब्रांड का चूल्हा है, खरीद में इन्हीं से लेके गया हूं, बस 700 में डन हो गया, ठीक है। अबे नहीं आज हम 700 ही देंगे। अच्छा हम गाइस ये देख लो, ये बंदा ठीक है जिद्दी हो गया, ठीक है कह रहा है 700 700। अच्छा था काम कर, आ रहे तेरे पास इंशाल्लाह 8:30 बजे, और 8:30 बजे आके ठीक है तेरे को 700 का नोट थमा के निकल जाएंगे। कितने का? 700 का नोट वो मैं बना लूंगा नोट, मसला नहीं, हम तेरे को ठीक ही पैसा कर देंगे पूरा 700 की चिट दिखा के। तो गाइस अभी 100 रुपए की इसकी मेरी बहस है और मैंने ये 700 में काम करवाना है। आप वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, चैनल के बने सब्सक्राइब जरूर करें भाई, डन कर दे, ठीक है मैं 700 रुपए ही दे के जाऊंगा, ठीक है इंशाल्लाह। लेकिन इधर देख काम अच्छा होना चाहिए, मुझे मारो मारो मुझे मारो।
ठीक है, तभी आ रहे हैं। तो लो जी हमारा डन हो गया छोटा भाई के साथ, और हम 700 रुपए में ठीक है चूल्हा सेट करवा रहे हैं। बेगम साहब जरा आप सफाई का ख्याल क्या करें, बात कर रही थी इसके ऊपर सारा कुछ सेट हुआ है भाई। बात सुन, अच्छा ये कितने का भारी है? नहीं ये वाला ये कैसे है कौन सा वो वाला थोड़ा अच्छी क्वालिटी का ये देखो। अच्छा इसके बेस पे की सेटअप हो जाएगा? पेट्रोल के चक्कर में ठीक है गैस के सिलेंडर बनाने की चार्ज कर खर्चे पे खर्चा करवा दी। अम्मा का बोल मेरे को दे दे। क्या बातें कर रहे हो? क्यों अम्मा का बोल कैसे क्यों लाऊं? क्यों लाऊं ऐसे मेरा तो 5,500 रुपए का खर्चा दूसरा काम भी आपका कम्प्लीट हो गया। अल्लाह साहब का कहने का मतलब है कि मेरा मिशन नंबर 2 भी हम लोगों ने कम्प्लीट कर दिया। शीशे जो है ना, शीशा हमने उठाया और उसको दुकान पर पहुँचाया, और अब उसकी फ्रेमिंग होगी और वो मिलेगा कल। अब वो कल पता नहीं कौन सा आएगा, अल्लाह साहब कब रिसीव करेंगे ये मुझे नहीं पता। जब मैंने करवा दिया ना ये काम जब मैंने ये करवा दिया काम ठीक इधर तक ले कल आपके घर भी पहुँचेगा, टेंशन नहीं है। और हमारा 1,000 रुपये में ये काम हुआ, 1,000 रुपये में ठीक है। मिशन नंबर 3 रह गया जो वॉशरूम का जो है ना शीशा लेना। चलो बैठो, वो पता है जब मैं उधर लेके आऊँगा ना प्लम्बर को मैं उसी टाइम ले आऊँगा। ना आया प्लम्बर, ना आया शीशा, शीशा लेना प्लम्बर आएगा लगा देगा। चलो नहीं नहीं कर लेंगे सारा। अभी तीसरा काम कौन सा बताओ मुझे जरा। तीसरा काम है पालक। चलो चलो A few moments later. तो गाइस इधर ना चिप्स आ चुके हैं तकी के, तकी खाने के लिए ना बेताब सा हो रहा है, लेकिन अभी सफर कर बात सुन मेरी, बात सुन गर्म है अभी ना, अभी चेक कर पहला चिप चेक करते हैं। अच्छा एक मिनट रुको, अभी तकी बहुत गर्म है, थोड़ा सा इंतजार कर, इंतजार कर ठंडे होते तेरे को पिलाते हैं काफ़ी ज़्यादा। अभी चप्पल पहन दी तूने? चप्पल नहीं पहन की हो, पहन दी तूने? किधर पहन? अबे गरम है यकीन कर, बहुत गरम है, तू रोएगा बाद। एक मिनट ठंडे करके दे दो तेरे को ना, एक मिनट सबर कर ठंडे करके, गरम है कसम से गरम है, यकीन करो। अभी ना मुंह जला लेगा रोएगा, ये ना सही लेवल का रोएगा इसे। मुझसे नहीं खाया जा रहा, ये नन्ना मुन्ना काका कैसे खाएगा, मेरे से खाना मुश्किल है। रोजे बाकी ठंडे होते हैं आप ही के लिए लेंगे, मैंने नहीं खाने। मैं जो आप बचाओगे थोड़े तो वो खा लूँगा, वैसे नहीं खाऊँगा ठीक है। वैसे गाइस में इतना तो ठंडे करके ये ना सारे चीज़ें फेंक दे ठीक है, उसके बाद फिर निकलते हैं। इसकी माँ गई है पार्लर पे, गई है वो अपनी मूछे बनवा रही है। कौन है ये लोग? ये मूछे बनवा के आती है, उसके बाद लेके फिर घर निकलती हैं, और घर नहीं निकलते चूल्हा लेंगे, हमारा चूल्हा 8:30 बजने वाले, चूल्हा लेके जाने वाले हम लोग। A few moments later. Finally, हम पार्लर से होकर आ चुके हैं। और आप लोगों को एक सीक्रेट बात बताऊं, अगर अपने हस्बैंड से आप लोगों ने काम करवाना है तो जिन भूत आप लोगों को बनना पड़ेगा, तभी काम होता, नहीं तो काम वाम कोई नहीं होता। और अभी देखो कैसी लग रही लेडीज में, कुछ बनी हुई शेप लग रही है आप लोगों को, शेप बनी हुई आईब्रोज की, आईब्रोज बनवाना मेरा मजबूरी है, नहीं तो मेरा मियां जाना। दाढ़ी की या मूंछों की? जरा चुप कर जाओ, दाढ़ी की मूंछों की हंसना था क्या, ऑनलाइन बिस्ती कर देता। तो गाइज ये जो है ना अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं आईब्रोज अगर ना बनवाऊँ, बात ये थी कि आईब्रोज बनवाना जो है ना, वो कहते हैं बहुत बंदे कहते हैं गुनाह है, मगर ये है कि मेरे आईब्रोज है ना बहुत ज़्यादा ऐसे जिन नुमा आईब्रोज हैं, अगर ना मैं बनवाऊँ तो मियाँ साहब डर जाए ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं चूर, ना भी बनाओ, मैं नहीं डरता ना, टेंशन ना ठीक है, ना बना मैं नहीं। अभी थोड़ी देर पहले वीडियो की स्टार्टिंग में खूब डर रहा था लड़का, आप लोग गवाह इस बात से ठीक है, कंगी करते वैसे डर गया था ठीक है। तो खैर मैं इतनी डरावनी तो दिखती नहीं, मगर बंदा डर जाता है, छोटा दिल का मामला है, छोटा दिल है तुम्हारा। हाँ छोटा दिल है। बेगम साहब आपकी फरियाद सुनी गई मुझे लग रहा है ना। क्या फरियाद सुनी गई? आपने बोला खाना आज घर पे नहीं बनेगा, बाहर से बनेगा। गैस ही बात है, घर लेकर भी जाओगे तो बंद हो जाएगा गैस। हाँ तो गैस हमारा ये भाई चूल्हा सही कर रहा है, माशा देखो फुल मेहनत कर रहा है, उसने कलर भी कर दी है ना, थोड़ा जंग लग रहा था उसकी वजह से कलर कर दिया हमारे भाई ने कि ये बिल्कुल सही हो गया। तो चलो भैया फिटिंग होती है, बाकी इनकी सुनी गई आज हमें पता चल गया, इनकी जबान काली है, काली जबान वाली। हाँ काली जबान वाली जो बोलती है वो पूरा हो जाती है। अभी जल्दी से बोल दे ठीक है, बोल दे काली जबान, एक मिनट बाद बोल, बाजार में खड़े हो बंदे बन जाओ। नहीं नहीं बोल तो ठीक है, नहीं करो नहीं बोल दो, नहीं मैंने बोल दिया, अल्लाह करे तुम्हारी दूसरी शादी कभी भी ना हो। तो चलो गाइस अभी ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करते हैं, हमारा भाई चूल्हा वगैरह बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग चूल्हा लेके घर चलेंगे। आज मुझे लग रहा है गाना बाहर से गाना है, कहाँ से गाने वाले हैं ये अभी बताएंगे, कहाँ से गाओगे गाना? इधर बात ठीक है, नान टिक्की वगैरह मिलती होगा दूर से उधर के जो ठीक है उधर क्या खाने जाओगे? बर्गर। अच्छा वो बर्गर इधर से मिल जाते हैं? नहीं वो वहीं से मिलते हैं, हमारे शेफ फैसल में तो हमारे शेफ फैसल में क्या बर्गर अच्छे नहीं मिलते? पीछे भाई बना रहे हैं बर्गर, मैं वहाँ जाऊँगा।
बस ना ऐसे ही हमारा पेट्रोल लगवाएगी ज्यादा, तुम्हें पता उधर आने जाने का कम से कम पाँच पाँच छह सौ रुपए का पेट्रोल लगता है उधर, पता है तुम्हें इस बारे में? क्यों अपने मियाँ का खर्चा करवा रही है? आगे महंगाई बहुत ज्यादा है, हालात टाइट है, और तू खर्चे पे खर्चा करवाई जा रही है। दो ना करो, खर्चा एक का भी उठा सकते हैं, बातें करवा। वो मैंने सुना है, ठीक है, बात सुनी, औरतें कहती हैं रिजक हमारे नसीब से आता है, तो जितनी महंगाई चल रही है यकीन करो, औरतें कहती है रिजक हमारे नसीब से जितनी महंगाई चल रही है, मैं कहा दो दो तीन दिन हो उनके ज्यादा नसीब आए तो फिर हालात हमारे बेहतर है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। शुक्रिया मेहरबानी। क्यों दिमाग खराब नहीं करो? दिमाग खराब ऐसे सड़क ऐसे मजाक नहीं करो, मजाक नहीं करो, वजह बात 2000 years later। सो गाइस वेलकम बैक होम, और आगे हम लोग चूल्हे शूल्हे सही करवा लिए, पार्लर का चक्कर लगा लिया, शीशा भी दे डाला। अब जो है कुछ सीन इस तरह के हैं कि भूख शिद्दत की लगी हुई और बिलाल साहब लिफ्ट नहीं करवा रहे, और हमारे घर में देखें क्या हो रहा है, रात के इस टाइम भी ये तोड़ा पज्जी हो रही है। देखें ये मैकेनिक निकला हुआ है और ये मेरी जना सिलाई मशीन को गर्क कर रहा है, और सिलाई मशीन के पीछे भी एक कहानी है। कहानी क्या है, जब से तकदीरुल्लाह साहब पैदा हुए हैं हमने सिलाई को जो है ना ब्रेक लगा दी है, कपड़े हम लोग जो है ना सिलवाते हैं, खुद से मैं नहीं सी सकती क्योंकि मुझे ये डर होता है कि बीच में हाथ दे लेगा और सुई के अंदर इसके हाथ आके जख्मी हो जाएगा। और ये देखें यहाँ पे जो तबाही मची हुई है, ये देखें बीच में खड़ा हो रहा है, यहाँ पे मेरे जो है ना गुलदान के फूल फेंके हुए, कोई हाल नहीं है इस टाइम घर का, ये देखो। तो लेडीज बताओ कौन कौन किस किस की औलाद जाना घर का रात का टाइम ये नेचर करती है कि सुबह जाना चीजें उठा उठा के आप लोग थक जाते हैं। ये देखो ये जो है ना कुशन फेंके हुए और ये इनके अब्बा जान बैठे हुए हैं, किधर बताएं मुझे, ये देखो जरा बैठे हुए और कोई इनका दिल नहीं है भाई, कोई दिल नहीं है हमें खाना वाना खिलाने का। हाँ जी मेरे पे गिरा दिया। तो इन दोनों बाप बेटों के ड्रामे जो है ना वो जारी है, सारी है, रात के टाइम भी ठीक है, और तुम्हें खाना खिला दिया मैंने, बस मैंने तो बंस रोड से खाना था बर्गर, इस टाइम पे मजे नहीं होते, चलो झूठ ना बोल। हां सच्ची कह रहे हो, रात तक नहीं होते, रात 12 बजे तक, जल्दी खत्म करके निकल लेते हैं। जी नहीं, बंस रोड पे एक दो बजे तक ड्रामाबाजी चलती रहती है, अच्छा खाने वाने चलते रहते हैं। क्या प्रोग्राम है? क्या प्रोग्राम है बेगम को, तुम ना अच्छे बहाने लगा के टिकाता रहता है, मेरे को कहते नहीं है ही नहीं, ये कराची है गुजरात नहीं है कि 11 बजे सब कुछ बंद हो जाएगा। भाई ऐसी बात भी नहीं करो, हमारा गुजरात भी ठीक है, रात 1 बजे तक खुला रहता है। कोई नहीं, कोई कुछ नहीं खुला था उस दिन रात को, हम जलील जो हुए थे ना कुछ नहीं मिल रहा था, ठीक है। कभी न कम न ज्यादा, न छोटी न बड़ी, बात यह है कि हम लोगों को लेकर चलो, भूख लगी है हमें बड़ी। क्या हम तो कविता कर गए, अब कविता ही करती रहती है, ठीक है निकल तो आप हमें नहीं लेकर जा रहे हो, लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, नहीं लेकर जा रहे, ये देखो कैसे हाथ नचाने चाके बोल रहे नहीं लेकर, हाँ नहीं लेकर जा रहे अब्बा जान, जाएंगे बेटा हम जाएंगे, हम जरूर जाएंगे। तो गाइस आप लोग जाओ चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं किया अभी तक, तो वीडियो पसंद आ रही तो उसको लाइक भी करना। A few moments later. तो गाइस अभी हम लोग सारे रेडी हो चुके हैं, जल्दी हैं बाहर, क्योंकि बेगम साहब ने बोला बर्गर खाने हैं, तो भाई बेगम ने बोला तो बोल रहा है, क्योंकि बेगम है जो थी ना घर की डॉन होती है, ठीक है भैया। तुम्हें तो बिरयानी की देख के ऊपर मैं भैया बात सुन रही थी, तुम्हें तो भाई खिला दिए बिरयानी, क्या हो गया? थोड़ी सी खाई है। क्या थोड़ी सी खाई है? पूरी देख खानी थी। रात के बज रहे हैं 12:15 या 12:30, टाइम आपको पक्का बता दे तो ठीक है, 12:15 या 12:30 रात के बज रहे हैं, सारे लोग सो रहे हैं, और हम इस टाइम बर्गर खाने जा रहे हैं बंस रोड पे, क्योंकि बंस रोड के जो बर्गर ना ठीक है बंद कबाब वाले माशाल्लाह बहुत ही लजीज होते हैं। Few minutes later. तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बंस रोड, मगर मुझे यही लग रहा था कि बंद हो गया होगा, बंद वन कोई नहीं हुआ, मतलब लास्ट चांस है खा सकते हैं आप भैया, ये 2 बजे तक खुला था ये। अच्छा इधर 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 घर में क्या कह रहे थे आप मुझे? क्या घर में आप यही मुझे कह रहे थे कि 12 बज चुके हैं, बंद हो गया होगा, रहने दो बेगम। मैंने कहा अभी पूछ लेते थे कितने बजे तक ना खुला रहता है, हस्बैंड की बातों में भी ज्यादा ना हो, अक्सर ये जो है ना ऐसी चलता करते हैं हम लोगों को। हाँ जी इनके मुंह बने हुए हैं भाई, क्या कह रहे हो तुम लोगों ने बिरयानी, तुम लोगों ने बिरयानी तो खिला दी है, बात है क्या भाई, इतनी दूर पर जिंगर बर्गर खाने के लिए आए तो इन्हें ठीक है बंद करो खाने के लिए। तो बात सुनो ठीक है, उन्हें बोल दिया ये तो अभी ना हम लोग ऑर्डर देते हैं, अभी बी आर मुस्तफा को कुछ भी नहीं खाना, ये लोग घर पे वापस चले, ये खाना माया आटा में थप्पड़ी खिलाती रहती है, समझ रहे ना जब बच्चे बहुत ज्यादा तंग करते हैं। तो चलो गाइस अभी हम लोग जल्दी से ऑर्डर देते हैं, उसके बाद ठीक है खाते पीते हैं, फिर बच्चों को लेके घर चलते हैं, कुछ भी बिरयानी वरयानी कुछ नहीं खिलाना, कबाब बहुत मजे के साथ में चटनी प्याज और साथ में ये आगे डबल रोटी आ गई। अच्छा ये बच्चे देखो, अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे हमने नहीं खाना, ये देखो अभी माशाल्लाह
अच्छा जिंगर भी करो। हाँ जी, कोई मजे का काम है ये कोई नहीं, मैं भी आपको पहली बाइट लेकर मजे का नाम होता था तो मैं इतनी दूर आती रात के टाइम। अच्छा तो मैं दो बाइट लेता हूँ। तो खाते हैं, हाथ साफ इसके ऊपर करते हैं, उसके बाद चलते हैं। Few inches later. हाँ जी बिलाल साहब, हेलो, क्या हो गया, बड़ा सुड़ सुड़ कर रहे हो, मिर्चे ज्यादा लग गए हैं आज ना, आज मिर्ची ज्यादा है, मिर्ची ज्यादा हो गई आज, ये भूल गए हैं ना। नहीं जी ठीक है, मेहरबानी, शुक्रिया। आज मिर्ची बहुत ज्यादा है, लेकिन टेस्ट अच्छा था जैसे पहले टेस्ट होता है, आज भी अच्छा है। पटाखा पटूखा नहीं लेते, गंद बात है, पटाखा नहीं लेते, छोड़ दो गंद बात है। तो बेगम साहब की माशाल्लाह हवाई पूरी हो चुकी है, खा लिया बेगम साहब आपने माशाल्लाह, और एंड में निकला अंडे का छिलका। हाँ लास्ट अंडे का छिलका निकला, लेकिन लास्ट में निकला आपकी भूख खराब नहीं है मेरे, अब वो खराब नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो अभी ठीक है, हम लोग निकलते हैं घर पे, वापस लेकर बच्चों ने खाया थोड़ा थोड़ा, खाया ज्यादा नहीं खाया। तो गाइस रात के 1:30 बजे हम लोग बंस रोड में घूम रहे हैं, और यकीन करो यहाँ पे उसी किस्म का रश है, देखो सब लोग खाने पीने आए हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो सब लोग अपना जो है ना एंजॉय करने निकले हैं, और हम लोग भी एंजॉय करके वापस जा रहे हैं। खैर मज़ा आया, बन क्या बन कबाब खा के बहुत मज़ा आया, मगर एंड में जो छिलका निकला ना उस पे सारा मज़ा किरकिरा कर, मगर कोई बात नहीं, कभी कभी जो है ना ऐसे एडवेंचर हो ही जाते हैं, ऐसे ऐसे कामों में ऐसे काम भी हो जाते हैं। यार मुझसे लोग कह रहे हैं आइसक्रीम खानी, कहाँ से खाएगी, इधर से खाएगी और से खाएगी आइसक्रीम। हाँ आइसक्रीम तो मैं कह रही हूँ वहाँ से खाओ, वहाँ से तो गाइस अभी चलते हैं, आइसक्रीम खाने का प्लान बन गया है, तो हम लोग चलते हैं आइसक्रीम खाने, जहाँ से हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, बहुत मज़े की होती, बहुत यमी होती है। ये हमारे बंस रोड को जरा टाटा बाय बाय गुड बाय, ठीक है, बंदे इस तरह एंजॉय कर रहे हैं आधी रात को भी, जिस तरह के हम एंजॉय कर रहे हैं। A few minutes later. लो गाइस घर हम पहुंच गए हैं, और इनके तमाशे नहीं खत्म हो रहे, ये अब्बा हजूर बच्चे से झूले खा रहे हैं। तो गाइस वो क्या कर रहे हो आप, कह रहा है कि मैं क्या करूं, आगे ले चलो उधर, वो अब्बा को बिठा के आगे ले चलो, चलो उसकी सेहत देखिए कागड़ी पहलवान की। तो गाइस ये पता क्या करना चाह रहा है, मैं आपको बता देता हूं, इसका दिल है बाइक चलाने का, मेरे को मौका मिले लेकिन जरा ठंडे हो जाओ, मैट्रिक से पहले कोई बाइक नहीं है। हाँ मैट्रिक से पहले बाइक नहीं है, मुझे पता है वो आप ही की औलाद है, ठीक है, क्या मतलब, उसने मैं कहना दे बाइकों को लेकर, ठीक है, मन व्हीलिंग करता रहूं, हाँ सच बोल रहे हो, लगाता रहूं वो, देखो भाई, ओ भाई तेरी नाफ पे नाफ चढ़ी होगी, रहने दे, छोड़ दो पीछे, सबको पता है ये शरीफ लड़कों वाली बाइक है, जो मेरी बाइक है, ठीक है, ये भी शरीफ लड़कों वाली है, पहले आप लोग बाइक देखते, अल्लाह माफी, अल्लाह माफी। तो कहाँ लेके आ रहे हो, मेरे पाँव पे चढ़ानी है क्या, चलो चलो मुस्तफा, आज आप हमसे नाराज हो ना, क्योंकि हम आइसक्रीम खिलाने नहीं लेके, ऐसी बात है, नन्ने मियां इधर सोए पड़े हैं, और वो अभी बाजी वो भी सोने के चक्कर में, और हम लोग लेकर जा रहे हैं, वाह भुलक्कड़ बेटा मेरा, चाबी भूल गए, तो आज एक काम करो, आप वैसे भी हमसे नाराज हो, तो आप यहीं पे बिस्तर डालो, ठंडी हवा है, और आप भी यहीं पे रहो, याद करो बकरों के साथ इधर सोए थे, मेरा दिल इधर ना चार पे लेके, हाँ तो आप वैसे ही यहाँ पे सो जाओ, ठीक है, और आप भी अपने डैडी के साथ, ठीक है, हम जा रहे हैं ऊपर, रूम कूलर में शिफ्ट करवाए, आप ऐसे कुदरती हवा में सोए। सो गाइस वेलकम बैक होम, और थक के चूर हो चुके हैं, और आप लोग बताना लेडीज कौन कौन अपने हस्बैंड के साथ जो है ना लेट नाइट डिनर करने जाता है, वैसे तो मुझे लगता है कभी बंदे जाते होंगे, मैं एक अनोखी बंदी हूँ, ठीक है, जिसके हस्बैंड जो है लेट नाइट उठा के ले जाते हैं डिनर करवाने के लिए, ठीक है, ले करने के जबरदस्ती लेकर गए, आपको बात बताऊँ, हर बंदी का दिल तो यही करता है रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे हमें समंदर के किनारे के ऊपर उधर बैठी हो, पानी के अंदर मेरे पाँव हो, उसके बाद हाथ में मेरे जिंगर बर्गर हो, और साथ में कोल्ड ड्रिंक हो, और मियाँ साहब साथ में हो, हर बंदी का ये दिल करता है। लेकिन हम जो मियाँ लोग हैं ना, सारी बातें आप लोग नहीं मानते, हाँ कभी कभार माना ले जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन इसे मैं लेके गया इतनी दूर बंस रोड पे बंद कबाब खाने के लिए, तो इसे चाहिए मेरे पाँव धो धो के पिए, लेकिन ये ठंडा पानी पीने की आदी हूँ मैं, गाइस पाँव धो धो के पिए, आखिरी टाइम आपने कब धोए थे पाँव, ओ हेलो दिमाग खराब है तुम्हारा, मैं तो दिल पाँव धो के पीऊँ और उसके बाद मैं आईसीयू में मिलूँ, है भाई ऐसे कोई बात है, वो अलग सी बात, और आपको दूसरी शादी करने का मौका मिल जाए, और कत्ल का इल्जाम भी आप पे ना आए, जरा सिम पिला के मारोगे मुझे, तू समझा, अरे पागल हो गई क्या, डफर है तो एक नंबर की यार, मेरे माना मेरे पाँव में से, ठीक है, स्मेल आती मरे हुए चूहों की बू आती है, लेकिन वो इस वजह से आती है जब, ठीक है मैं जराबे पहनता हूँ मोजे, लेकिन मोजे पहनते ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा शुरू से फैशन है, ये फैशन मेरी वजह से निकला है, मेरे दोस्त कहते थे यार तू मोजे क्यों नहीं पहनता भाई, जराबे मोजों के बिना ही शूज पहनता, मैंने कहा एक टाइम आएगा भाई ये फैशन चलेगा, तो यकीन करो आजकल वो फैशन चल रहा है कि बंदे बिना उसके जराबों के वो शूज पहनते हैं, चल झूठा, बस बस इतने लेक्चर के बाद हम तो पक चुके हैं, और हम पाँव धो के पीने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने मरने का इरादा नहीं किया हुआ। तो गाइस आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो कीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, ठीक है, और फिर मुलाकात होगी कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।